नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग केयर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, इस सेक्शन में हम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के सेकंड ईयर कोर्स माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करता हूँ। आज हम ह्यूमन पैरासाइटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम निम्नलिखित पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, जियार्डिया लैम्बिलिया, लिशमानिया और प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी के बारे में कि पैरासाइटोलॉजी होती क्या है। मेडिकल पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट से संबंधित है जो ह्यूमंस में बीमारी को इन्फेक्ट और डिजीज प्रोड्यूस करता है। पैरासाइट्स की बात करें तो एक पैरासाइट अपने सर्वाइवर के लिए एक लिविंग होस्ट है और होस्ट को कोई भी बेनिफिट दिए बिना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। होस्ट की बात करें, इसे उन ऑर्गेनिज्म के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जो होस्ट का शिकार करते हैं। थ्री टाइप्स के होस्ट होते हैं, डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट और रिजर्वायर होस्ट। अपन सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेटिव होस्ट के बारे में। इनकी एडल्ट स्टेज होती है और ये सेक्सुअली रेप्लिकेट करते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें तो इनके लार्वा स्टेज हार्बर होता है और ये असेक्सुअली द्वारा रिप्लीकेट करते हैं। रिजर्वायर होस्ट की बात करें तो इन्फेक्शन के इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप में एक्ट करता है। पैरासाइट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें प्रोटोजोआ, जिसके अंदर अमीबा आता है जो कि एक एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होता है, फ्लेजिलेट्स में जियार्डिया लैम्बिलिया, लिशमानियासिस डोडोवनी, ट्राइकोमोनास वेजनेलिस। स्पोरोजोआ की बात करें तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम, टॉक्सोप्लाज्मा गोनोडी शामिल है। अपन सबसे पहले बात करते हैं एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में। तो सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं अपन। ये पैरासाइट थ्री फॉर्म ट्रोफोजोइट्स प्रीसिस्टेज स्टेज में प्रेजेंट होता है। ट्रोफोजोइट की बात करें तो ये ट्रोफोजोइट के साइटोप्लाज्म के डायमीटर में 18 to 14 माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। ये टू पोर्शन में डिवाइडेड होते हैं, एक क्लियर एक्टोप्लाज्म और एक ग्रेनुलर एंडोप्लाज्म। ट्रोफोजोइट सूडोपोडिया द्वारा मोटाला होते हैं। ये एक्टोप्लाज्म के वन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसमें एंडोप्लाज्म फ्लो होता है। ट्रोफोजोइट का न्यूक्लियस शेप में स्फेरिकल होता है और स्टेन प्रिपरेशन में यह स्ट्रक्चर कीरिसोम की तरह एक छोटा डॉट जैसा अपीयर होता है। प्रीसिस्टिक स्टेज की बात करें तो यह शेप में छोटा होता है और डायमीटर में 10 to 20 माइक्रोमीटर तक भिन्न होता है। यह एक ब्लंट सुडोपोडिया के साथ राउंड या ओवल होता है। न्यूक्लियस ट्रोफोजोइट के रूप में एक समान होता है। सिस्ट की बात करें तो यह डायमीटर में 10 टू 15 माइक्रोमीटर होता है और एक हाईली रिफ्रैक्टिव से कवर हुआ होता है, जिसे सिस्टिक वॉल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कहा जाता है जो ट्रोफोजोइट के समान है। एक मटेरियल सिस्ट एक क्वाड्रेंट स्फेरिकल बॉडी है लेकिन जल्दी ही बाइनरी फ्यूजन द्वारा विभाजित हो जाता है। यूनिन्यूक्लेटेड और बाइन्यूक्लेटेड निकायों में एक ग्लाइकोजन मास और 1 to 4 क्रोमिडियल होते हैं। ग्लाइकोजन मास आयोडीन के साथ ब्राउन कलर का स्टेन करता है लेकिन नॉर्मल सलाइन के साथ प्रेसिपिटेशन में रिफ्रैक्टरी बार्स या सलाकों के रूप में दिखाई देता है। मैच्योर सिस्ट में ग्लाइकोजन मास और क्रोमेटिन डिसअपीयर हो जाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें मैच्योर चतुर्भुज सिस्ट इन्फेक्टिव फॉर्म होती है। ह्यूमन इन सिस्ट से युक्त पानी और भोजन के इंजेक्शन द्वारा इन्फेक्शन प्राप्त करता है। जब सिस्ट सिकम तक पहुंच जाते हैं या इस प्रोग्रेस के दौरान ईलियम के थन का निचला भाग कम हो जाता है। प्रत्येक मैच्योर सिस्ट 4 न्यूक्लेई एक टेट्रा न्यूक्लियोटाइड अमीबा के साथ सिंगल अमीबा को लिब्रेट करता है जो बाइनरी फ्यूजन द्वारा न्यूक्लाई के डिवीजन द्वारा एक मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट्स प्रोड्यूस करता है। ये मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट लार्ज इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसस टिश्यूज में स्थित होते हैं जहाँ वे अपने नॉर्मल हैबिटेट पर ग्रो करते हैं और बाइनरी फ्यूजन से मल्टीप्लाई करते हैं। ग्रोथ के दौरान एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम को सीक्रेट करता है जो टिश्यू के डिस्ट्रक्शन और नेक्रोसिस के बारे में बताता है, जो कि अल्सर के शेप को कम करता है। स्टूल में ब्लड और म्यूकस के साथ बड़ी संख्या में ट्रोफोजोइट एक्सक्रीट होते हैं। इस स्थिति को अमीबिया पैचिश कहा जाता है। कभी कभी ट्रोफोजोइट्स पोर्टल वेन के रेडियल में एंटर करते हैं जो लीवर तक ले जाते हैं। लीवर में वे मल्टीप्लाई करते हैं और अमीबा हिपेटाइटिस और अमीबा लीवर एब्सेस प्रोड्यूस करते हैं। इस स्लाइड में एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की लाइफ साइकिल को दर्शाया गया है।
जिसमें वाटर और फूड सिस्ट के साथ कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, जो कि ह्यूमन द्वारा इंजेस्ट कर लिए जाते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर मेटासिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। वे आगे मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ट्रोफोजोइट्स कोलन में जाकर प्रीसिस्ट फॉर्मेशन करते हैं। फिर ये सिस्ट 1 to 4 न्यूक्लियाई बनाते हैं। फिर ये सिस्ट फीसेज में पास्ड हो जाते हैं। ये वाटर और फूड को कंटामिनेटेड कर सकते हैं। फिर ये फूड ह्यूमन द्वारा इंजेशन कर लिया जाता है और ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। कुछ समय बाद जब होस्ट पैरासाइट के इफेक्ट को कम किया जाता है और होस्ट के टॉलरेंस में वृद्धि होती है, तो उपचार ठीक हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमन में ट्रोफोजोइट प्रीडेट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और फिर मैच्योर क्वाड्रीन्यूक्लेटेड सिस्ट में बदल जाते हैं। इस प्रोसेस को रूप में जाना जाता है। डिजीज की बात करें तो यह अमीबिक डिसेंट्री एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियसिस प्रोड्यूस करता है। इसके लैब डायग्नोसिस की बात करें, यह स्टूल जैसे किसी पार्टिकुलर लीजन से प्राप्त मेंटेरियल में ई कोलाई स्टूलाइटिका के डेमोन्स्ट्रेशन पर डिपेंड करता है। इंटेस्टाइनल एमिबेसिस में स्टूल एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन, सीरोलॉजिकल टेस्ट शामिल है। अब अपन बात करते हैं हिपेटेटिक अमीबेसिस के बारे में। इसमें डायग्नोस्टिक अप्रिएशन, लीवर बायोप्सी, ब्लड एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन शामिल है। आइए इसी से जुड़ा अपने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। अमीबेसिस और अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय, तो इसका सही आंसर होगा एंट अमीबा स्टूलाइटिका, यानी कि ऑप्शन बी। अब अपन बात करते हैं जियार्डिया लैम्बलिया के बारे में। ये एक इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेंट्स होते हैं। इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये टू फेज में प्रेजेंस होते हैं, ट्रोफोजोइट और सिस्ट। ट्रोफोजोइट का शेप टेनिस या बैडमिंटन रैकेट जैसा होता है। डोर्सल सरफेस कॉन्वेक्स होती है जबकि वेंट्रल सरफेस कॉनकेव डिस्क होती है। ट्रोफोजोइट का साइज 14 माइक्रोमीटर लॉन्ग और 7 माइक्रोमीटर ब्रॉड या चौड़ा होता है। एंटीरियर एंड पॉइंटेड होता है। यह सिलैंडरिकल होता है। टू एग्जोस्टाइल्स, टू न्यूक्लियाई और फ्लैजेला के 4 पेयर्स में होते हैं। इस स्लाइड में जियार्डिया लैम्बलिया के ट्रोफोजोइट और सिस्ट की स्ट्रक्चर को दर्शाया गया है। इस स्लाइड में जियार्डिया लैम्बलिया के लाइफ साइकिल को दर्शाया गया है, जिसमें सिस्ट वाटर में लॉन्ग पीरियड तक रह सकता है। यह वाटर और फूड को कंटामिनेट करता है। कंटामिनेटेड वाटर और फूड में सिस्ट होता है जो ह्यूमन द्वारा इंजेक्शन कर लिया जाता है, जिसमें स्टमक में एक्सिस्टेशन होता है। यह ड्यूडेनम में जाकर ट्रोफोजोइट का फॉर्मेशन करता है। ट्रोफोजोइट आमतौर पर ड्यूडेनम में क्रिप्ट्स के भीतर रहता है। सिस्ट का फॉर्मेशन होता है क्योंकि ट्रोफोजोइट कोलन में नीचे मूव्स होता है। ट्रोफोजोइट सिस्ट फीसेज में होता है जो वाटर और फूड को कंटामिनेट कर देता है। इसके डिजीज की बात करें तो फैट का मेला एब्जॉर्प्शन होता है, बोल्स या आर्थर और मिल्ड स्टोरिया का लूजनेस होता है। पेशेंट किसी भी सिम्टम के बिना साइलेंट केस के रूप में उपस्थित हो सकता है, जैसे कि क्रोनिक एंटेरिटिस और अक्यूट एंट्रोकोलाइटिस या क्रोनिक के रूप में होता है। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में बात करें तो जियार्डिया, ट्रोफोजोइट्स और सिस्ट के डेमोस्ट्रेशन को वेट प्रिपरेशन द्वारा फेश स्टूल से किया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं लिशमानिया डोडोवानी के बारे में। यह पैरासाइट रिस सिस्टम में काला जार का कारण बनता है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो पैरासाइट के टू फॉर्म होते हैं, जो कि एमस्ट ह्यूमन में होता है और ओमास्टिगोट सैंड फ्लाई के गट में होता है। एमस्टिगोट फॉर्म यह फ्लैजेलेट स्टेज है और वर्टिब्रे होस्ट और ओवल या राउंडेड बॉडी की रिस सिस्टम की सेल में प्रेजेंट होता है। प्रोमेस्टिगोट फॉर्म यह फ्लैजेलर स्टेज है और कीट फैक्टर और कल्चर और सिलेंडर स्पिंडल शेष बॉडी में मौजूद होता है। इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम की सेल्स मल्टीप्लाई से लेकर होस्ट तक पैरासाइट के साथ हो जाता है। होस्ट सेल में एनलार्ज होता है और अंत में रप्चर हो जाता है। ब्लड सक वाला इंसेक्ट इन मुफ्त एमेस्टिगोट को अपने ब्लड भोजन में खींचता है। ये एमेस्टिगोट फॉर्म प्रोमेगेस्टिगोट रूपों के विकास होते हैं, जो फिर से बाइनरी फ्यूजन से मल्टीप्लाई करते हैं, जो बड़ी संख्या में प्रोमेस्टिगोट का उत्पादन करते हैं। इन्फेक्टेड सैंडफ्लाई के बाइट से इन्फेक्शन होता है। इनक्यूबेशन पीरियड 3 to 6 months तक भिन्न होता है। इस स्लाइड में लिशमानिया डोडोवानी की लाइफ साइकिल को दर्शाया गया है। इसके डिजीज की बात करें तो यह कालाजार,
यह हाई फीवर और एनीमिया की सामान्य विशेषताओं की विशेषता है। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो यह डायरेक्ट एविडेंस जिसमें पीबीएफ ब्लड कल्चर एनएमएन नोवी मैकेनिकल निकोल बायोप्सी स्प्लेनिकल पंचर द्वारा किया जा सकता है। इनडायरेक्ट एविडेंस की बात करें तो ब्लड सेल काउंट हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन शामिल है। आइए इसी से जुड़ा अपना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। काला जहर इज कॉज्ड बाय, तो इसके ऑप्शन है लिशमानिया डोडोवानी, प्लाज्मोडियम, टीनिया सेजिनाटा या टीनिया सोलियम। तो इसका सही आंसर होगा लिशमानिया डोडोवानी, यानी कि ऑप्शन ए। अब अपन बात करते हैं प्लाज्मोडियम के बारे में। ये प्रोटोजोआ होता है जो कि मैन या ह्यूमन में मलेरिया का कारण बनता है। इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो यह पैरासाइट टू होस्ट के लाइफ साइकिल में पास होता है। फर्स्ट मैन जो कि इंटरमीडिएट होस्ट होता है, सेकंड फीमेल एनाफिलेस मॉस्किटो जो कि डेफिनेटिव होस्ट होती है। आइए प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर एक निगाह डाल लेते हैं। संक्रमित मादा एनाफिलेस मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम जीवाणु या स्पोरोजोइट्स के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं। जीवाणु एक संक्रामक रूप है। प्रारंभ में परजीवी लीवर में अपनी संख्या बढ़ाते हैं और फिर रेड ब्लड सेल्स पर आक्रमण करते हैं, जिससे रेड ब्लड सेल्स फट जाती है। रेड ब्लड सेल्स के फटने के साथ ही एक अविलाशु या टॉक्सिक पदार्थ हीमोजोइन निकलता है, जो ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल से आने वाले उच्च आवर्ती ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है। जब फीमेल एनाफिलेस मॉस्किटो किसी इन्फेक्शियस इंडिविजुअल को काटती है तब परजीवी उसके शरीर में एंटर कर जाते हैं और उनका आगे का परिवर्तन वहाँ होता है। ये परजीवी मॉस्किटो में वह संख्यात्मक रूप से बढ़ते रहते हैं, जीवाणु बन जाते हैं जो उसकी लार ग्रंथि में जमा हो जाते हैं। जब ये मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करता है तो जीवाणुजन उसके शरीर में एंटर कर जाते हैं और इस प्रकार ऊपर वर्णित घटना आरंभ हो जाती है। यह दिलचस्पी की बात है कि मलेरिया पैरासाइट को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए ह्यूमन और मॉस्किटो दो होस्ट की जरूरत पड़ती है। फीमेल एनाफिलेस वेक्टर अर्थात ट्रांसमिटिंग एजेंट करने वाली भी है। इस स्लाइड में प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को दर्शाया गया है। इसके डिजीज की बात करें तो प्लाज्मोडियम के साथ इंफेक्शन का कारण मलेरिया और इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 days का होता है। टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स में एनीमिया के बाद हाई फीवर शामिल है। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम प्लाज्मोडियम स्पीशीज को संक्रमित करने वाले ह्यूमन का अधिकतर एजेंट है, जो रेड ब्लड सेल्स को संक्रमित करता है। इसमें ब्लैक वाटर फीवर या पर्निशियस एनीमिया शामिल है। इसके लैब डायग्नोसिस की बात करें जिसमें डायट माइक्रोस्कोपी में स्मेयर की जांच मलेरिया में सबसे महत्वपूर्ण है। तेज बुखार के घंटे के बाद स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाना चाहिए क्योंकि इस अवधि में पैरासाइट सबसे अबुंडेंट होता है। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के थ्रू भी लैब डायग्नोसिस किया जा सकता है। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट में इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक मेथड शामिल है। सीरोलॉजिकल टेस्ट में इनडायरेक्ट हीमोग्लोबिन एसे एलाइजा शामिल है। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो इसका सही आंसर होगा फीमेल्स एनाफिलेस मॉस्किटो, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों कैसा लगा हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आप दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।